जहां तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं, 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी, रात के 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड की थी, उन्हें बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखे, उन्होंने देखने का काम किया, और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी, समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई, जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है वो आए, जिनका नाम भी किसी खिलाड़ी ने उसमें लिया होगा जो आना भी नहीं चाहता था, उसका भी नाम लिया, हमने उसको भी आने की अनुमति दी। और कमेटी की रिपोर्ट में क्या जो कहा गया, हमने उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, तब तक कोई एडहॉक कमेटी बने, 45 दिन के अंदर चुनाव हो, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने, अगर किसी को मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किसी तरह की है तो हर फेडरेशन में उस तरह की बॉडी बने, हमने उसके लिए कहा। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर और भी कोई ऐसे जैसे वाली टीम सिलेक्शन है, टूर्नामेंट में भेजना है, वो भी निर्णय हमने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, हमने सरकार भी नहीं कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी कमेटी बनाएगी, 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है, बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी FIR करवा सकता है किसी के ऊपर, अगर लगता है अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी FIR, आज भी हो सकती है, लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है थी, मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे।